वेलकम टू मिनी व्लॉग दोस्तों। तो शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि बारिश का मौसम है तो ना घर में आम पड़े हुए हैं, तो मतलब ज़्यादा मैं खा नहीं सकती और फिर पड़े पड़े ख़राब भी हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कुछ आम का जूस बनाती हूँ। मुझे वैसे भी बहुत पसंद है आम का जूस, और वैसे भी रखा ख़राब हो रहा था, खाने का टाइम लग नहीं रहा उसे, तो चलिए जूस बनाते हैं उसका। और आम का जूस मुझे तो लगता है सबको ही पसंद आता है ना, यूजुअली सभी को आम का जूस पसंद आता है। तो थोड़ा सा आम घर में पड़े हुए हैं, ज़्यादा आम नहीं है, एक दो आम होंगे, बाकी दूध दूध डाल के उसको मिक्स कर लूँगी। हेलो व्यूअर्स, तो पता है क्या हुआ, पता नहीं मैं जब कैमरा सेट कर रही थी ना, पता नहीं क्या हुआ इसके ना आवाज़ मतलब फटी फटी सी आ रही, तो फिर अगर मैं वही वाली वॉइस डाल देती तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैंने इसलिए फिर वॉइस ओवर किया। आधी वॉइस तो मैंने वही डाली है जो रियल थी कैमरे के साथ, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैमरा कैसे हिला या क्या वॉइस का इशू हुआ, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ गया। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने जो ये आधा आम बचा हुआ था, तो मैंने कहा यार ऐसे कहीं ना हो कि बड़ा बड़ा ख़राब हो जाए, और आम तो जो फेवरेट फल है मेरा, वो उसको देख देख के वो ख़राब हो रहा था, तो मेरा दिल तो वैसे भी दुखी रहा था उसको देख के। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि यार इसका जूस ही बना लेती हूँ, ऐसे तो नहीं खाया जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा इस चक्कर में। तो मैंने क्या करा, इसका पल्प वगैरह सारा निकाल लिया, मैंने चाहती थी कि इतना फेवरेट फ्रूट मेरा ख़राब हो जाए, और अगर ख़राब हो गया तो मेरा दिल टूट जाएगा, तो इसलिए मैंने उसका जितना भी पल्प है सारा निकाल लिया आम का। और आम का पल्प निकालने के बाद तो जितना भी मैंने दो आम करे और जिससे तीन चार आम थे, पर मैंने ढाई आम का यूज़ किया इसमें। मैंने कहा कहीं कम ना हो जाए, बोलेंगे कि बस खाने के लिए लाई क्या। तो हाँ जी दोस्तों, ये देखिए ये मेरा मैंगो का मैंने पल्प निकाल लिया है, देख के मुँह में पानी आ रहा है ना, मेरे तो खुद ही आ रहा है मुँह में पानी, तो अब रहा नहीं जा रहा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ किचन की, और पहले मैं लाइट बंद कर देती हूँ, नहीं तो ससुर जी बोले कंजू लाइट तुमने खुली छोड़ दी उसके बाद अब जाए किचन की, और अब किचन में जाके इसका शेक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लाइट ओपन कर ली है, तो अब मैं जो भी है जार वगैरह लेती हूँ। तो मैं ना ऐसा करती हूँ कि ना आपको मतलब उसको दिखाने में क्या क्या डालना है इस चीज़ में बहुत टाइम लग जाएगा, तो जैसे ही मैं जूस बनाऊँगी ना तो मैं आपको दिखा दूँगी कि क्या क्या मैंने लिया है, कैसे कैसे बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब तो रहा नहीं जा रहा, फटाफट से मैं इसका जूस बनाती हूँ, और जूस बनाने के बाद आपसे भी मिल जाऊँगी अब 5-10 मिनट में। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए 5 मिनट में आती हूँ मैं फटाफट से मैंगो का जूस बना के। ठीक है ना, तो ये लीजिए दोस्तों, ये मेरा मैंगो शेक तैयार, यम्मी फ्लेवर। इसमें मैंने दूध डाला है, चीनी डाली है, और आम डाला है जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है दोस्तों, अब हस्बैंड को चखाते हैं और क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता देखते हैं। ओके, तो आप पी के बताएंगे कैसा बना हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाती हो तुम, आम रस मजा आ गया। तुम तो जेठालाल जैसे बोल रहे हो, आम रस खा के और पी के बहुत मज़ा आ गया, बहुत सुंदर। ये देखिए मैं इनकी दया, और ये मेरे जेठालाल।
कॉमेडी स्टार आप सुना हो?